बीजेपी यहाँ सफाया हो जाएगी, बीजेपी यहाँ सफाया, हाँ, साइकिल निकल जाएगी, साइकिल निकल जाएगी। तो साइकिल निकाल दिए, रुक जाइए, साइकिल निकाल दिए, क्या लग रहा है? ये तो कभी नहीं हो सकता, धनंजय सिंह को कोई यहाँ हराने वाला है नहीं यहाँ पे। हाँ, जौनपुर में उनके अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, अगर देखा जाए धनंजय काके, ठीक ना? तो कई बार धनंजय सिंह चुनाव हार गए हैं। अरे हारने तो मतलब कुछ भी हो जाए, लड़ने नहीं तो कैसे जीतेंगे, जब लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे ही। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह खुद कहे हैं कि अगर क्षत्रिय नहीं संभले तो भाजपा शून्य हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हम यूपी जौनपुर के लोहिया पार्क में है, और आपको बता दें कि जौनपुर सियासी राजनीति की जब बात होती है तो जो सियासत की बात जो होती है वो एकदम पारा जो होता है वो हाई हो जाता है। अगर ऐसे में हम बात करें, सारे कैंडिडेट कन्फर्म हो गए हैं, और अगर पश्चिमांचल की बात करें तो दो चरणों में चुनाव भी कम्प्लीट हो गया है, लेकिन जौनपुर में लोग क्या सोच रहे हैं, किसे सांसद बना रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही युवा साथी हैं, सबसे पहले हम लोग नाम जान लेते हैं एक लोगों से, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर बाजी कौन मारेगा। चलिए सबसे पहले नाम जानते हैं, भैया क्या नाम है आपका? शिवम प्रजापति जी। आप हैं? आप भैया आलोक यादव जी हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रियव्रत पाल। अच्छा, पाल जी आप हैं। भैया आप? हमारा नाम प्रीतम कुमार जी हैं। भैया आप? आदर्श यादव। भैया आप? एडवोकेट हनुमंत सिंह। अच्छा, एडवोकेट हनुमंत सिंह। आप क्या नाम? मंगेश जी। चाचा जी आपका क्या नाम है? वीरेंद्र मिश्रा जी। तो जहां पर अगर पूरे यूपी की बात किया जाए तो लोग कहते हैं जाति समीकरण पर लोगों को टिकट मिलता है, और जाति समीकरण के आधार पर पार्टियों को लोग वोट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जितने लोग हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं सभी जातियों से हैं। चलिए सवाल अब शुरू करते हैं, क्या लगता है जौनपुर में, आगे आइए सर, जौनपुर में क्या लगता है कौन सांसद बन रहा है अब की बार? धनंजय सिंह। तो उनका सुन के बोल रहा है कि अपना बता रहे हैं? हाँ, दिल की बात बताइए, क्या लग रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा जी सपा से हैं, और बसपा से श्री कला जी हैं, धनंजय सिंह की पत्नी, और अगर बीजेपी की बात करें तो कृपा शंकर सिंह हैं। तीनों के बीच एक टक्कर की, कांटे की लड़ाई लोग मान रहे हैं। आपका क्या विचार है, कौन यहाँ से सांसद बन के जाएगा? धनंजय सिंह। भैया क्या लगता है, यादव जी हैं आप ना? क्या नाम है? आलोक यादव जी। क्या माहौल है यहाँ? समाजवादी जीतेगी। अरे तो बगल में आप कह रहे धनंजय सिंह, कहने दीजिए कुछ भी कहेंगे लोग। हाँ। लेकिन समाजवादी निकालेगी, यहाँ दो लड़ाई है, धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ चुनाव जीत रहे हैं? हाँ जीत रहे हैं, पक्का है। समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता बाबू सिंह का घोर विरोध करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है कि लोकल लोगों को टिकट नहीं मिला है, ऐसे में कितना भरोसा आपको लग रहा है कि साइकिल निकल जाएगी? निकल जाएगी, 90% भरोसा है। हाँ, सपा पार्टी से इसे जीत जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। उनका कोई टक्कर देने वाला है नहीं यहाँ जौनपुर में। सबसे ज्यादा गरीबों के मसीहा है यहाँ पे, ठीक ना? चाहे गांव में जाए, चाहे जहाँ जाए, लोग वो सबसे मिलते हैं। जो गरीब लोग हों उनकी और ज्यादा सेवा करते हैं जी। तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर, बहुत सारे आपराधिक मामले मुकदमे भी दर्ज हैं, लोग दर्ज कराया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी सब आ गया, बाहर आएंगे देख लीजिए कुछ दिनों में। क्या भैया क्या लग रहा है, कौन यहाँ से सांसद बन के दिल्ली जा रहा है? यहाँ से धनंजय सिंह की जीत होगी। हाँ, और धनंजय सिंह को जौनपुर में चाहने वाले 90% लोग हैं, और हर कास्ट के लोग हैं, और विकास भी करते हैं धनंजय सिंह, और यहाँ से सांसद बनेंगे धनंजय सिंह बनेंगे, चाहे जिस पार्टी से हो। उनको वोट पड़ेगा, धनंजय सिंह के नाम पे पड़ेगा, पार्टी से नहीं मतलब है वो। हाँ। चाहे जिस पार्टी, अगर निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। हाँ। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है वो तब भी जीत जाएंगे चुनाव। हालांकि इस समय भाजपा वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो खेल बिगड़ा रहे हैं, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, कृपा शंकर सिंह करे चुनाव हम जीत रहे हैं, डंके की चोट पे योगी जी मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि यूपी 80 सीटों में 80 सीट हमारी आ रही है, तो आप कह रहे हैं धनंजय सिंह? नया वीडियो नहीं देखेगा किसका? योगी जी का नहीं देखेगा? नया क्या बयान दिया? अभी नया बयान उनका आया है कि 74+ है। अच्छा, अभी 74+ कर दी, मतलब यहाँ जौनपुर वाली धनंजय को दे दी? हाँ, अरे उसी में है, नहीं है छह में ये भी है जौनपुर। जौनपुर में ये धनंजय सिंह जीत रहे हैं, श्री कला जी को जो मेरे पास पास टिकट मिला है, टिकट फाइनल है मान लीजिए। इसके पहले 19-16 चुनाव लड़े नहीं थे वो, इस बार लड़े हैं। अब भाजपा षड्यंत्र करके उनको जो जेल भेज रही है, भेजी थी ना जेल, अब देखिए क्या हुआ, जमानत मिल गया हाईकोर्ट से, मतलब उस न्यायालय से, तो उनको मिल रहा है ना जमानत। फिर भाजपा वाले अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं जेल,
वो तो अपना सब लगा रहे हैं सीट निकले, लेकिन कृपा शंकर सिंह जी जो है मुंबई रहे, यहाँ रहे ही नहीं है, किसी के कृपा शंकर सिंह को कोई जानता ही नहीं है। बस चुनाव लड़ना हुआ चले आए हैं, फिर चले जाएंगे, उनका कोई मतलब है नहीं उनको। उधर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिमांचल में जो चुनाव हुआ है सबसे ज्यादा जो सीटें आ रही है वो सपा की आ रही है, और पूर्वांचल की अगर बात किया जाए तो पूर्वांचल में भी वो कई सीटों पर दावा कर रहे हैं, और जौनपुर पर भी दावा कर रहे हैं कि जौनपुर में भी निकल रही है। तो आम जनता जौनपुर में किसके बारे में सोच रही है, हम ये जानना चाहते हैं। नेता तो बड़े दावा कर, धनंजय के आगे कुछ सब फेल हैं इस समय। क्या भैया क्या लग रहा है आपको? नहीं भैया, धनंजय सिंह आएंगे। धनंजय सिंह उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया भैया। उनके द्वार पे कोई भी जाता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। अच्छा, ये लोग तो धनंजय कह रहे हैं, आप कुछ मुद्दा बताइए, लोग यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव क्यों जिताएंगे? बाबू सिंह कुशवाहा पहले रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं, मसीहा नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनके मंत्री थे किस पार्टी के मंत्री थे? बसपा मंत्री थे। और कितना घोटाला उनके पर लगा पता है? 5,000 करोड़ रुपए घोटालेबाज है। तो कह रहे घोटालेबाज है। घोटाला देखिए सबके लगा है, कोई नहीं बाकी इस दुनिया में जिसकी घोटाला ना नेता हो, घोटाला करता है पक्का है। चाहे जिस कास्ट मतलब सब पार्टी का नेता हो, घोटाले की बात ना करिए, घोटाला सब करेंगे। कला सिंह जी, भाभी जी यहाँ से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बताइए उनको कौन सा घोटाला किए हैं? विकास जो 15 साल से रोड नहीं बना था वो भी रोड बन रहा है, वाटर पार्क बन रहा है जौनपुर में जिला पंचायत से, और बताइए बनवा रही हैं। अच्छा ये बताइए कि जौन अच्छा ये बताइए सर, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो यूपी के युवा हैं, युवाओं की अगर बात किया जाए, हम लोग मुद्दे पर आते हैं, युवा क्या सोच रहा है? आप एडवोकेट भी हैं, आपके पास तमाम प्रकार की केसेस भी आते होंगे, जरा युवाओं के बारे में बताइए, युवा क्या सोचता है? 5 साल के अंतर्गत हमको आप एक भी वैकेंसी बताइए कि यूपी में क्लियर हो गई। वैकेंसी तमाम वैकेंसी क्लियर, वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, उसका पेपर रिकॉर्ड आप गूगल करके देख लीजिए कि 5 साल में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। सबसे बड़ी वैकेंसी आई चुनाव के पहले पहले एडवोकेट सर, यूपीपी की, लोगों को ये विश्वास था, पता नहीं कितने घरों में ये आस थी कि हमारा बेटा वर्दी पहनकर उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा, लेकिन उसमें भी मामला सही है। जो ये भाई भाजपा सरकार थोड़ी करवा रही है ना, कर रही है, ये बीच में जो बैठे हैं लोग, ये लोग कर रहे हैं, ये पेपर लीक कौन किया है? अधिकारी लोग किए हैं या जो भी मिल के मिली भगत से जिसके हुआ है, वो सब पकड़े जाएंगे, उन लोग घरों बुलडोजर चलेगा, तो काम हो चलेगा, ये फाइनल है, बुलडोजर चलेगा। अब पेपर दोबारा निष्पक्ष पेपर होगा, अगस्त में ड्यू है, पेपर होगा, और उसके आने जाने के लिए बच्चों जो है सुविधा रहेगी, बसें फ्री रहेंगी, सब कुछ ऐसा नहीं, सरकार व्यवस्था कर रहा है। अब बेरोजगारी पे थोड़ा मसला रहा है भाजपा का, बिल्कुल रहा है बेरोजगारी, हमें कहकर नहीं कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार तो आ ही रहा है, मोदी सरकार आ रहे हैं, तीसरी बार शपथ ले रहे हैं एकदम। इंडिया गठबंधन ये कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव नहीं जीतने देंगे किसी हाल में भी। इंडिया गठबंधन कहाँ मजबूती रह गई है, खत्म है कहानी, कोई बात नहीं। क्या लगता है भैया, आप बता रहे हैं कि जौनपुर से सपा निकल रही है, अगर एक सवाल आपसे कर लिया जाए, आप नव युवक हैं, युवा भी हैं, यूपी में सपा की कितनी सीटें आ सकती हैं? यूपी में कहूँ 70 सीट आएगी। 70 सीट? क्या भैया, ये तो कह रहे हैं कि यूपी में 70 सीट, आप बताइए कितना सीटें आ रही है? सपा का जो है वही जो सपा पर घर के लोग हैं, घर वही जीतेंगे, बाकी और नहीं। घर आना, जिसके घर ना हो उसके परिवार क्या होगा? वो क्या समझे हैं दर्द? एकाक वोट निकाल लो भैया, बहुत है। नहीं नहीं, एकाक देखिए सपा निकाल लो उतना बहुत है। दो सीट एक दो सीट मिल जाए भैया, बहुत है। एक दो सीट मिलेगा उसके अलावा नहीं मिलेगा। अरे महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, क्या भैया क्या लगता है, पूरे यूपी में खाली सपा एक दो सीट निकालेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता जो भैया बता रहे हैं, पूरा जीत जाएगी बीजेपी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। जीत रही ना, एक सीट बसपा यहाँ निकाल रहा है, जैसे धनंजय यहाँ से तो कंफर्म है, बाकी सपा भी ऐसी बात नहीं है। सपा निकालेगी अब की बार ना, ऐसा लग रहा निकालेगी ज्यादा से ज्यादा निकालेगी कुछ हो नहीं सकता, काटने आई सीट यहाँ से, बसपा एक भी सीट नहीं पाएगी, मायावती भी नहीं जीतेंगी अपना सीट। ये तो कहा था मायावती नहीं जीतेगी जौनपुर से, एक मायावती नहीं जीतेगी ना, धनंजय सिंह जीतेंगे। हाँ, ये बात गठिया लीजिए, जीत रहे हैं श्रीकला जी, यहाँ से भाभी जी जीत रही हैं, सीट ये निकल गया, फाइनल है, परिणाम आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन जीत रहा कौन हार बन रहा है। 4 जून को भाजपा सरकार बन रहा है, आप धनंजय सिंह को जिता रहे, उधर भाजपा सरकार बना रहे, कह तो रहे हैं भाजपा ही है, कह रहे हैं भाजपा ही है, लेकिन जौनपुर से ज्ञान प्रकाश सिंह जी को टिकट देना चाहिए था, और प्रत्याशी ऐसे देना चाहिए था, पैरासूट प्रत्याशी क्यों उतार दिए? हाँ।
बताइए कृपा शंकर जी कभी दिखाई दिए यहाँ? अच्छा ये बताइए, इस प्रकार बीजेपी जो है वो कई सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारी है, इसका मतलब कई सीटों पर बीजेपी हारेगी? अभी तो कहाँ, हम पूरी सीटियाँ थोड़ी ले रहे हैं, तभी तो 400 ले रहे हैं। हाँ। तभी कुछ छोड़ भी रहे हैं विपक्ष के लिए। हाँ। 400 का नारा है न। हाँ। तभी तो पूरा भैया क्या लग रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी 400 पार का नारा लगाए हैं, क्या लगता है 400 आ जाएगी? ये तो कभी नहीं हो पाएगा, देखिए 150-200 पाना मुश्किल है। हाँ। जैसे गांव लोग जाते हैं कुर्सी बेचने। हाँ। चिल्लाते हैं 400-400। हाँ। गांव देते कितने का है? 150-200 बस वही जानिए। सरकार कैसे बनेगा? सरकार कैसे बनेगा? नहीं उसके लिए, बाकी जितने यहाँ नौजवान खड़े हैं उनका दर्द पूछिए, वो पेपर देने गए थे उनसे। हमें लगता है तैयारी वगैरह करते हैं। चोट लगा है ना, ये चोट लगा है ना, दिखाई दे रहा कैमरा भैया? उसी दिन का है, यूपी पी का अपने अभी जी को पेपर दिलाने गया था, ये गाड़ी सलाया ठोक दिया पीछे से। हाँ। बेरोजगारी है ना सब, ठीक ना, लोग कितना परेशान है। हाँ। आगे टेट का पेपर हुआ, सीटेट हुआ, बीएड हुआ, इंटर हुआ, हाई स्कूल हुआ, कोई भी पेपर हो। हाँ। सब लिखो रहा हो, नहीं हो रहा? हाँ। हो रहा सब पेपर। हाँ। कोई ये बताइए कि जो युवा है, युवा की जो जनसंख्या है, यूथ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो यूथ क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहा है? युवा देखिए, कभी आपका जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसको कभी बनाने का प्रयास नहीं करेगी, वो हमेशा सपा की ओर जाएगी। हाँ। ठीक ना, चाहे जो युवा किसी से भी पूछ लीजिए आप। हाँ। ठीक ना, सबसे पूछ सकते हैं, सब लोग लगभग उसी के पक्ष में जाएंगे, सपा के जाएंगे। हाँ। जो अच्छा काम करेगा उसके प्रति आएंगे। हाँ। बाकी अगर जिसको तो नकल अखिलेश यादव के समय में नौकरी उकरी मिल जाती थी ठीक ठाक? बिल्कुल मिली है, सबको मिली है, सबको मिली है, सब लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, और बाकी अच्छा अच्छा ये बताइए क्या लगता है, तीसरी बार मोदी जी शपथ ले पाएंगे या फिर शपथ लेते लेते रुक जाएंगे, क्या लग रहा है? ना के बराबर है। हाँ। कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। दोनों हो सकता, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता है। हाँ। दोनों में है, मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। हाँ। क्या भैया क्या लग रहा है, ले सकते हैं कि नहीं शपथ? अब की नहीं ले पाएंगे, अब की बार लेगा कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, अरे उनको तो लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू कहने दीजिए कोई भी हो। हाँ, लेकिन लेंगे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी करेगा, अखिलेश यादव लेंगे अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा? देखिए उसको जीतने के बाद पार्टी इकट्ठा है, उसके बाद समझेगी अपना कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन आपके हिसाब से राहुल गांधी? राहुल गांधी लेंगे। चाचा जी हैं एगो हमारे साथ, चाचा जी। हाँ, मिनट आइए। अगर राहुल गांधी काम नहीं किए होते तो मोदी जी देश को भेजते कैसे, ये बताइए पहले आप। हर चीज देश को बेच दिए, सब चीज बेच दिए, रेल बेच दिए। हाँ। आर्मी बेच दिए। हाँ। और क्या बाकी है, सब कुछ बेच रहे हैं और बेचेंगे आगे आने समय में। हाँ। अगर 5 साल और सरकार रही। हाँ, तो देश का नाश हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। देश गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। अरे आर्थिक आर्थिक अगर गुलाम करेंगे और कौन करेगा, कोई रूल तानाशाही करेंगे, राज करेंगे अपना और लोगों को सताएंगे। देख लेना, धर्म के नाम पर युवा को लड़ा रहे हैं, जनता को लड़ा रहे हैं उसी के कारण। अच्छा किसकी सरकार आए जो भारत देश में लोग शांति अमन का जीवन जी? कांग्रेस ने काम किया है। हाँ। तभी आप लोग यहाँ हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा राज कौन किया? कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया है, फिर इतना तेजी से विकास क्यों नहीं हो रहा था? विकास हुआ है, दिख नहीं रहा आप लोग, सब दिख रहा है, सब विकास हुआ है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, केरल के लोग देखिए, वहाँ कभी बीजेपी आ सकती है? नहीं आ सकती है। अब की वहाँ सब पूरा सीट सपाया हो जाएगा बीजेपी का। हाँ। कर्नाटक में। हाँ। देख लीजिएगा, मतलब गड़बड़ झाला है, गड़बड़ झाला है। अब की हार जाएगी बीजेपी। चाचा जी आइए ना आगे, आप एक बार भी नहीं बता रहे, क्या लग रहा है? ये तो सब युवक से हम बतिया लिए क्या माहौल है, बता दिए भैया, बता दिए सपा आ रही है, भैया बताए कि यहाँ धनंजय सिंह आ रहे हैं और केंद्र में मोदी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन आ रहा है? ये चुनाव है। इधर आगे कैमरे पे देख के चाचा, आज पोजीशन कुछ है कल कुछ है। अभी प्रथम द्वितीय चरण का चुनाव हुआ, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह खुद कहे हैं। हाँ। कि अगर क्षत्रिय नहीं संभले। हाँ। तो भाजपा शून्य हो जाएगी। हाँ। इसका मतलब क्या होगा? हाँ। इधर आपके साथ एक क्षत्रिय साहब और खड़े हैं, विद्वान नेता हैं। हाँ। आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं। हाँ। क्या राजनाथ सिंह के विचार से कोई असहमति है? हाँ। कोई चैलेंज दे सकता है? हाँ। वो तो आरएसएस के परिवार हैं। हाँ। भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं। हाँ। उनसे भी बड़ा कोई नेता आज है, कोई वरिष्ठ नेता है? भाजपा का वरिष्ठ नेता स्वयं स्वीकार कर रहा है। चाचा जी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। भाजपा का वरिष्ठ नेता कह रहा है, ये राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। हाँ, उनका बयान है कि अगर छत्री नहीं संभले तो भाजपा शून्य हो जाएगी।
भाजपा शून्य हो जाए। छत्री संभल गए हैं, संभल गए छत्री संभल गए संभल गए भाई ऐसी बात थोड़ी। अब भाई छत्री जी की भाषा हम कभी इसे इग्नोर कर रहे हैं हम तो। अच्छा चाचा जी क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से दावे ठोक रहा है और जिस हिसाब से इंडिया जोड़ो यात्रा अगर तमाम चीजें हम कहें राहुल गांधी चलाए, क्या लगता है अब की बार उसका फायदा मिलेगा या फिर तो बेस पर कोई बातें नहीं कर रहा। दोनों पार्टियां बेसलेस बात कर रही हैं। हाँ, बेसलेस आधारहीन। किस आधार पर दावा कर रहे हैं? विकास का मुद्दा जो है नाम नहीं ले रहे हैं। बेरोजगार को एकदम नेपथ्य में डाल दे रहे हैं। बेरोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, महंगाई, इस पर बोलो ना। क्यों नहीं जनता के सामने जाकर के सरकार आनापाई का हिसाब देती, जनता के बीच जाए। जो अनर्गल आरोप अलाप रही है जाके, इससे अच्छा है कि जनता के बीच जाकर के अपना आनापाई हिसाब दे। जौनपुर, चाचा जी अगर हम आपसे जौनपुर की सीट के बारे में अगर बात कर लें तो जौनपुर की सीट के बारे में जरा आप बताएं। बड़े अनुभवी लग रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आप करवाए हैं, विधानसभा लोकसभा हर सारे चुनाव को, क्या लगता है यहाँ से कौन बाजी मार सकता है, आपको क्या लग रहा है? माहौल से तो आप सुन ही रहे हैं, वही हम भी सुन रहे हैं। माहौल जिसके पक्ष में है, माहौल आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। हम कैमरा पे चाहते हैं कि आप बताइए। कैमरे पर बताने वाली बात नहीं, ये इलेक्शन है, इलेक्शन है, जनता जिसे चुनेगी वही होगा। लेकिन जहाँ तक माहौल की बात है, आप खुद ही समझ गए होंगे यहाँ पर जो है किसी के साथ हकतल्फी हो रही है। नाम नहीं लेंगे, गलत है। हकतल्फी नहीं होना चाहिए। चुनाव कोई भी नहीं बतिया रहे हैं चाचा, चुनाव कोई भी जीते हारे, ये चुनाव है। अच्छे लोग हार जाते हैं, खराब लोग जीत जाते हैं। खराब लोग हार जाते हैं, अच्छे लोग जीत जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन किसी के साथ इसको, इशारा कहाँ है चाचा जी का, समझिए आप इशारा कहाँ है, किधर है चाचा जी, इशारा बता दीजिए खुल के। वीडियो बहुत लोग ये देख रहे हैं, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है, ये गुप्त मतदान है और गुप्त मतदान का अनुसरण करना चाहिए। खोलेंगे नहीं, पोल खोलेंगे नहीं, जो चीज गुप्त मतदान देख सकते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग जौनपुर के लोहिया पार्क में हैं साहब, और हमारे साथ तमाम युवा जुड़े थे, और ये युवाओं का रोष जो है वो सीधा आप कैमरे पर देख रहे थे कि आखिरकार जौनपुर का सांसद कौन बनेगा। अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है, पूरे प्रदेश में हलचल है पूरा। अगर हम नेताओं की बात करें तो नेताओं में पूरा गड़गड़ाहट है कि आखिरकार अब की बार जौनपुर से सांसद कौन बनेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट जो है वो जौनपुर की सीट बनी हुई है। आखिरकार जौनपुर के युवा क्या सोचते हैं, ये हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा मित्रों, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जौनपुर से चुनाव कौन जीत रहा है। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट सर्वे में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।